जीएसटी सिस्टम के अतिरिक्त महानिदेशक एस के रहमान ने कहा है कि देश में जीएसटी के लिए कोई केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली नहीं है और ये भी कहा कि व्यापारियों ने अपने संबंधित राज्यों में जीएसटी के तहत पंजीकरण किया है। उन्होंने सोमवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर केंद्रीय उत्पादक शुल्क कार्यालय में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जीएसटी पर जागरूकता पैदा करने के लिए जीएसटी सिस्टम के एडीएल डीजी कहते हैं कि क्रांतिकारी कर प्रणाली को लागू करने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रहमान ने कहा कि कर्मचारियों को जीएसटी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और तकनीकी कौशल में सुधार के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और इस उद्देश्य के लिए एक मजबूत जीएसटी नेटवर्क और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र भी जगह में रखा गया है। नए कर प्रणाली को लागू करने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों से आग्रह करते हुए रहमान ने कहा कि केंद्र सरकार करदाताओं और व्यापारियों के बीच एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगी। जीएसटी केंद्र उत्पादक शुल्क और सेवा कर के लिए अधिक कार्यालय खोले जाएंगे। सरकार ने पहले ही जीएसटी लागू करने के लिए नियम तैयार किए हैं और इसके कार्य के लिए कर्मचारी सहयोग आवश्यक है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त वी नागेंद्र राव ने अधिकारियों से जीएसटी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आग्रह किया और महसूस किया कि जीएसटी तंत्र और वाणिज्यिक कर विभागों के लिए आपसी सहयोग से देश को विकास में मदद करेगी। रहमान ने जीएसटी नेटवर्क सेवाओं के बारे में एक शक्ति बिंदु से समझाया, वहीं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।